यस सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्य क्या है उसके बारे में बात करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्य, इस केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हम लोगों को रिएक्शंस के बारे में बात करनी होगी। केमिकल रिएक्शंस के केमिकल रिएक्शंस को उनके होने की दिशा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, कैन डिवाइड केमिकल रिएक्शंस इनटू टू कैटेगरीज, दो क्लास में हम बांट सकते हैं। एक रिवर्सिबल और दूसरी इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल को हिंदी में हम बोलेंगे उत्क्रमणीय और ये होंगी अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कौन सी होंगी? ये वो अभिक्रियाएं होती हैं जो कि एक ही दिशा में चलती हैं। जैसे देखो, एक अभिक्रिया है KCLO3, पोटेशियम क्लोरेट, इसका डिसोसिएशन होना है। तो डिसोसिएशन के लिए क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। ये जो निशान मैंने लगाया है, त्रिभुज सा बनाया ट्रायंगल, इसका मतलब हो गया कि हम इसको हीट कर रहे हैं। ऑन हीटिंग इट विल ब्रेक डाउन इनटू KCl प्लस O2, इसको बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन को। तो ये जो रिएक्शन हुई है, इस रिएक्शन में आपने देखा कि ये जो तीर का निशान है, ये एक ही दिशा को इंगित कर रहा है। मतलब ये अभिक्रिया है वो लेफ्ट से राइट की ओर चलेगी, क्रिया कारक है वो कन्वर्ट होंगे उत्पाद में। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो अभिक्रियाएं कहलाती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शन या अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं वो केवल एक ही दिशा में होती है। ठीक है, इसी का एक और एग्जाम्पल है। जैसे जैसे कि आपका AgNO3 और NaCl की रिएक्शन, तो ये बनाते हैं AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, इसमें ये सॉलिड स्टेट में होगा, ये वाटर में सोल्यूबल होगा, ये एक्वेस होगा और ये एक्वेस। इस एक्वेस का मतलब है कि इनको वाटर में हमने डिजोल्व करके रखा हुआ है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इसमें ये AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है, तो ये सेटल डाउन हो जाएगा। अब इस अभिक्रिया के विपरीत दिशा में होने की संभावना नहीं है, मतलब AgCl और NaNO3 मिलकर के AgNO3 और NaCl नहीं बनाएंगे। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है वो कहलाती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, इरिवर्सिबल रिएक्शन, द रिएक्शन दैट हैपेंस ओनली इन वन डायरेक्शन, राइट? ऑल द रिएक्टेंट विल गेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, सो दे दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आल्सो गेट कंप्लीटेड। मतलब ये अभिक्रियाएं कंप्लीशन की ओर जाती है। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन क्या होंगी, कंप्लीट होती है, इस टाइप की रिएक्शन। दूसरी कौन सी रिएक्शन है? दूसरी रिएक्शन कहलाती है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होंगी? जैसे देखो, मैं एक सिंबॉलिक आपको रिएक्शन बताता हूं। ए प्लस बी मिलकर के बना रहे हैं सी प्लस डी, राइट? ए प्लस बी मिलकर के बनाते हैं क्या, सी प्लस डी, और उसी समय पर सी प्लस डी मिलकर के क्या बना देंगे, ए प्लस बी। मतलब उसी रिएक्शन मिक्सचर में जो हमारे उत्पाद है वो क्या करते हैं, वो वापस अभिकारकों में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऐसे लिखेंगे, ए प्लस बी मिलकर के बना दें क्या सी प्लस डी, और C प्लस डी मिलकर के क्या बना रहे हैं, ए प्लस डी।
तो यहाँ पर हम एक ऑपोजिट एरो से जो कि राइट से लेफ्ट डायरेक्शन की ओर इंडिकेटेड होगा उससे हम इस प्रकार की अभिक्रियाओं को बताते हैं। तो ये अभिक्रिया हो गई रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट। ये एग्जाम्पल है किसका, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया में यदि ये जो अभिक्रिया हुई है जिसमें कि अभिकारकों ने मिलकर के क्या बनाए, उत्पाद बनाए, इसको हम बोलते हैं अग्र अभिक्रिया, राइट। और फॉरवर्ड रिएक्शन क्या कहेंगे इसको, अग्र अभिक्रिया या फॉरवर्ड रिएक्शन। और वो अभिक्रिया जिसमें कि उत्पादों ने मिलकर के अभिकारक बनाए हैं उसको कहेंगे हम एक्वायर्ड रिएक्शन, और प्रतिप पश्च अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं, प्रतिप या फिर पश्च अभिक्रिया। अब मैंने एक शब्द उपयोग किया कि वो अभिक्रिया जिसमें कि उत्पाद मिलकर के अभिकारक बनाए, राइट। तो इस ये जो शब्द उत्पाद है वो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस अभिक्रिया में बैकवर्ड रिएक्शन में C+D क्या है, अभिकारक है, वो रिएक्टेंट है, राइट। तो उत्पाद किसके लिए हो गए, वो उत्पाद हो गए इस पर्टिकुलर फर्स्ट रिएक्शन के लिए, लेकिन सेकेंड रिएक्शन के लिए क्या है, ये रिएक्टेंट ही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ इस अभिक्रिया में ये अभिकारक है, ठीक है। तो इन दोनों अभिक्रियाओं को मिला करके अग्र और प्रति, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को एक साथ हम इस रिएक्शन इक्वेशन के हेल्प से बता सकते हैं। अब यहां पर आप एक बात नोट करेंगे कि जो एरो हैं उन एरो की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, एवं ये जो एरो है इनकी लंबाई भी क्या है, एक समान है, ठीक है। इसकी लंबाई का भी इफेक्ट होता है, तो लंबाई एक समान है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अग्र और प्रति, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो रिएक्शन है उन रिएक्शन की रेट है वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रेट क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, एक दूसरे के बराबर है। और अगर ये बराबर नहीं होगी उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में एरो की लंबाई दोनों के लिए एक समान नहीं होगी, एक एरो लंबा होगा दूसरा एरो उससे छोटा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं क्या बोलेंगे, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी अभिक्रियाएं कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। ये अभिक्रियाएं कभी भी कंप्लीट नहीं होती हैं, ये इनकम्प्लीट रहती हैं। क्यों कंप्लीट नहीं होती है, कंप्लीट होने का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट होने का मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट हमने लिए वो सारे के सारे कंज्यूम हो जाए और जो प्रोडक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट वो बना ले, लेकिन ऐसा तो इसमें होता नहीं है। यहाँ पर इनके केस में क्या है, इनके केस में तो जो हमारे उत्पाद बने वो फिर से मिलकर के क्या बना रहे हैं, वो फिर से अभिकारकों में परिवर्तित होते जा रहे हैं, इसलिए ये अभिक्रियाएं कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, इनकम्प्लीट रहती है। दूसरा, इस इन अभिक्रियाओं के लिए ये जो स्थिति आती है जहां पर कि अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों का वेग बराबर होता है, उस स्थिति को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट। इसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य क्या है, रासायनिक साम्य क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम इज दैट सिचुएशन वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे हम, केमिकल इक्विलिब्रियम। वह स्थिति जब अग्र एवं पश्च
दोनों अभिक्रियाओं का वेग एक समान हो उस स्थिति को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर रासायनिक साम्य। अब रासायनिक साम्य देखने से क्या लगेगा, रासायनिक साम्य की स्थिति में क्या होता है, अभिकारक मिलकर के उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद मिलकर के क्या बनाते हैं, अभिकारक बनाते हैं। तो उसको रासायनिक साम्य को देखने से ऐसे लगता है कि अभिक्रिया नहीं चल रही है, मतलब वहां पर ना तो क्रियाकारकों की सांद्रता परिवर्तित होती है और ना ही उत्पादों की सांद्रता परिवर्तित होती है। तो देखने से ऐसे लगता है कि ये ऐसी स्थिति है जब अभिक्रिया नहीं हो रही है, अभिक्रिया रुकी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस स्थिति में क्या होगा, अग्र एवं प्रत्यय प्रतिक्रिया दोनों की का वेग है वो एक समान होगा, मतलब जितनी मात्रा में क्रियाकारक मिलकर के क्रियाफल बना रहे होंगे उतने ही क्रियाफल उसी समय क्या हो रहे होंगे, क्रियाकारकों में परिवर्तित हो रहे होंगे। तो ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि ये गतिशील अवस्था में होता है, गतिज इसको बोलेंगे, गतिज इक्विलिब्रियम, गतिज साम्य इसको कहा जाता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, गतिज साम्य। अब ये हो गई कुछ इसके बारे में जनरल बातें। सो एट द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जैसे मैंने यहां पर लिखा, द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज सेम and the concentration of reactant as well as product remain constant, means there will be no change in the concentration of the reactant and the concentration of the product. So by observing the concentration of both reactant and product, we thought that the reaction is not happening or reaction has been stopped, but this is not right. At the state of chemical equilibrium, the process of conversion of the reactant into product as well as the same amount of product get converted into reactant. So this situation is not situation where chemical reaction has been stopped. No, this is the situation where the reaction is also going on, but the rate of the both the opposite reactions is same. So this is a dynamic equilibrium, गतिज साम्य ये है होता है। अब बात करते हैं इस प्रकार के अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण, जैसे देखिए एक अभिक्रिया है S2 plus I2 की, ये अभिक्रिया मिलकर के क्या बनाता है, HI हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये अभिक्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसी टाइप से N2 plus 3S2 ये मिलकर के क्या बनाएंगे, NH3। तो ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल है। सिमिलरली PCl3 प्लस Cl2 ये मिलकर के क्या बनाएंगे, PCl5। ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये भी उत्कर्मणीय अभिक्रिया है। इसी प्रकार से SO2 प्लस O2 ये मिलकर के क्या बनाएंगे, SO3। ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया है, उत्कर्मणीय अभिक्रिया। ओके, ऐसे ही एक और अभिक्रिया है CH3COOH एसिटिक एसिड, ये एथिल अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करता है। ये सारे सारे किस में रहेंगे, एक्वियस स्टेज में रहेंगे, मतलब वाटर में डिजोल्व। ये मिलकर के क्या बनाएगा, ये बनकर के बनाएगा इथाइल एसिटेट प्लस वाटर। तो ये भी क्या है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये भी उत्कर्मणीय अभिक्रिया है, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जिसमें कि हमने उत्कर्मणीय अभिक्रियाओं को देखा कि उत्कर्मणीय अभिक्रियाएं होंगी, उसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट वो आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते जाते हैं। एक और अभिक्रिया है कैल्शियम कार्बोनेट, ये थर्मली डिसोसिएट होता है, मतलब इसको हीटिंग करेंगे तो डिसोसिएट होगा, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड है वो सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट खुद ये भी क्या होगा, सॉलिड होगा। तो इस प्रकार की रिएक्शन जो होगी जिसमें कि कोई गैस इन्वॉल्व हो, उनको हमको क्या करवाना पड़ेगा, बंद पात्र में करवाना पड़ता है, क्लोज्ड एपरेटस में ये रिएक्शन होगी, ठीक है, बंद पात्र में अभिक्रिया करवानी पड़ेगी। अगर आप बंद पात्र में नहीं करवाओगे तो क्या होगा, खुले पात्र में करवाने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और वो जो अभिक्रिया है वो अब रिवर्सिबल नहीं रहेगी।
ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की, केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। राइट, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एट इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ विजिबल क्वांटिटीज ऑफ सिस्टम लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कलर, कंसंट्रेशन बिकम कॉन्स्टेंट। मतलब जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं वो क्या हो जाती हैं, वो क्या हो जाएंगी, कॉन्स्टेंट हो जाएंगी। एट इक्विलिब्रियम द मेजरेबल क्वांटिटीज, मतलब जिनको माप सकते हैं, बिकम कॉन्स्टेंट। कौन कौन सी, जैसे टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, कंसंट्रेशन, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, कॉन्स्टेंट हो जाते हैं, मतलब इनमें कोई चेंज नहीं हो पाता है, ठीक है। और इन केस ऑफ गैसियस रिएक्टेंट और केमिकल्स, रिएक्टेंट टेंट्स और प्रोडक्ट्स, रिएक्शन अटेन इक्विलिब्रियम इन क्लोज्ड एपरेटस, मतलब जहां पर या तो आपका अभिकारक या फिर उत्पाद क्या हो, गैसीय अवस्था में हो, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको अभिक्रिया को बंद पात्र में करवाना पड़ेगा। इसके बारे में हमने बात कर ली, ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। दोनों रिएक्शन का जो अभिक्रिया वेग है वो क्या होगा, एक समान होगा। अब अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और टाइम के साथ क्या होगा, तो आप जानते हैं कि शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में हमारे पास में रिएक्टेंट है उनकी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, जीरो होगा। तो मैं यहां से शुरू करूंगा, प्रोडक्ट तो जीरो होगा और रिएक्टेंट क्या होंगे, हमारे सबसे ज्यादा होंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, रिएक्टेंट वो कम होना शुरू होते हैं और उसके बाद में ये एक निश्चित कंसंट्रेशन पर आ जाते हैं। प्रोडक्ट शुरू में क्या होंगे, जीरो, वो क्या होंगे, धीरे धीरे उनकी अमाउंट बढ़ती है और फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि उनकी अमाउंट क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो यहाँ आकर के दोनों के एक फिक्स टाइम के बाद में दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, अब स्थिर हो जाती है, कॉन्स्टेंट हो जाती है इस पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। उसको हम बोलेंगे कि टाइम टेकन टू अटेन द इक्विलिब्रियम, उस टाइम पर आकर के दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, स्थिर होगी। अगर हम रेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ठीक है, टाइम के साथ में रेट को हम अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो सबसे पहले क्या होता है, जो आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन होगी उसकी रेट क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो क्योंकि उस टाइम होते ही सारे रिएक्टेंट है, तो वो जो रेट है वो क्या होगी, धीरे 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 डिक्रीज होगी और वो एक फिक्स वैल्यू पर आकर के स्थिर हो जाएगी। ऐसे ही जो बैकवर्ड रिएक्शन होगी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या होगी, शुरू में शून्य होगी, क्यों, क्योंकि आपके पास में प्रोडक्ट है ही नहीं, तो ये धीरे धीरे जीरो से शुरू होगी और बढ़ना शुरू होगी, बढ़ते बढ़ते ये क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो ये वाली स्थिति क्या हो गई, ये वाली स्थिति हो गई किसकी, केमिकल इक्विलिब्रियम की स्थिति हो गई, और ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो गई आपकी। तो ये हमने इसको क्या किया, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन रिएक्शंस के लिए जहां पर कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल है, वहां पर क्या होता है, जो गिब्स फ्री एनर्जी है, राइट, उसमें होने वाला चेंज वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। आप
जानता हूंगा कि जो न्यूज़ फ्री एनर्जी है उसके लिए उसका मान जब कोई अभिक्रिया स्वतः होगी तो उसके लिए डेल जी का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही प्रकार की अभिक्रियाएं हो रही हैं एक साथ हो रही है, तो डेल जी के मान में होने वाला जो परिवर्तन है वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, वो होगा 0, राइट। ये हो गई एक स्थिति। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक की, नेक्स्ट ये आ जाएगा नंबर 5, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट डजंट अफेक्ट द केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति है वो रासायनिक साम्य को प्रभावित नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो जो कैटलिस्ट है उसका प्रभाव जितना अग्र अभिक्रिया पर होगा उतना ही क्या होगा, उसका प्रतीक अभिक्रिया पर होगा। तो अगर मैं यहां पर लिखूं, ये आपका हो गया टाइम और ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट ज्यादा और फिर वो कांस्टेंट हो जाती है, फिर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए और ये कांस्टेंट हो गई, ठीक है। फिर पर्टिकुलर टाइम के बाद में, ये टाइम हम बोल देते हैं कि इसने टाइम में केमिकल इक्विलिब्रियम मिला है। तो जब आप कैटलिस्ट लोगे उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में ये जो इक्विलिब्रियम हमको मिला है ये कम समय में मिल जाएगा, ये इतने समय में मिल गया, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट केमिकल इक्विलिब्रियम विल बी अटेंड इन लेस टाइम एज कंपेयर टू इन द सेंस ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपका जो रासायनिक साम्य है वो हमको पहले मिलेगा, जबकि इसकी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जबकि इसकी अनुपस्थिति में समय ज्यादा लगता है, राइट। ये हो गए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक इस केमिकल इक्विलिब्रियम के, और ये मैंने आपको बता दिया कि ये डायनामिक होगा, ठीक है। डायनामिक होगा मतलब रिएक्शन है वो रुकती नहीं है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक या गतिज होता है, ये गतिज साम्य, मतलब अभिक्रिया स्थिर नहीं होगी, रुकती नहीं है अभिक्रिया, ओके। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की, और इनके आधार पर हम केमिकल इक्विलिब्रियम को थोड़ा समझ सकते हैं। अब अपने सिलेबस में जो इक्विलिब्रियम है उसमें सबसे पहले अपने को पढ़ना है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं क्राइटेरिया फॉर थर्मो डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्राइटेरिया फॉर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसको क्या 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 होगा, ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होता क्या है? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम या ऊष्मागतिक साम्य, ऊष्मा गति के साम्य, ये कौन सी अवस्था है? ये वो अवस्था है जब किसी भी सिस्टम की के जो ऊष्मा गति के गुण है, ठीक है, ऊष्मा गति गुण जिसको बोले हम, या फिर इसको बोले हम इसकी जो सूक्ष्म गुण है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, उसका मान परिवर्तित नहीं होता, ठीक है, वो अपरिवर्तित रहता समय के साथ, एट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज
विद टाइम, मतलब समय के साथ उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, यदि मान लो हमारा सिस्टम क्या हो, हेटरोजीनियस हो। ठीक है, हेटरोजीनियस का मतलब क्या हो गया, उसमें फेज एक से ज्यादा है, दो या दो से ज्यादा फेज है, तो वो हो गया हमारा हेटरोजीनियस सिस्टम। हेटरोजीनियस सिस्टम में एक से ज्यादा फेज होती हैं, तो हर एक फेज के लिए ये जो प्रॉपर्टीज होंगी, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज होंगी, उन गुणों का मान है वो अपरिवर्तित परिवर्तित रहेगा। ठीक है, हेटरोजेनियस जो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होंगी, जहां पर कि एक से ज्यादा फेज होंगी, राइट, उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं, राइट, वो क्या होंगी, वो हर एक फेज के लिए अपरिवर्तनीय रहेंगे। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, हर एक फेज के लिए, हर एक प्रावस्था के लिए वो क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। अब यहां पर हम जो थर्मोडायनामिक अपना इक्विलिब्रियम है, उस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को होने के समय ये तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक होगा थर्मल इक्विलिब्रियम, दूसरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और तीसरा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि सिस्टम में आने वाली हीट और सिस्टम से जाने वाली हीट, ठीक है, वो क्या रहेगी, वो एक समान रहेगी। ठीक है, कब होगा ये स्थिति, कब होगी, मतलब जो अपना सिस्टम है वो, उसका तापमान, ठीक है, उसके हर एक भाग में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर अगर स्थिर रहे, उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में जो हमारा सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, राइट। जो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए आवश्यक शर्त है कि जो हीट है वो, उसका जो फ्लो है वो एक से दूसरे पार्ट में होने पर वो इक्विलिब्रियम में रहे, साम्य में रहे। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम रिलेटेड है किसके साथ में, वर्क के साथ में। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब किसी हमारे सिस्टम के किसी एक पार्ट द्वारा, या किसी एक पार्ट पर, एक पार्ट द्वारा दूसरे पार्ट पर किया गया कार्य है वो क्या हो, एक समान हो, वो इक्विलिब्रियम की स्थिति में हो। और यहाँ हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होगी, तो निश्चित रूप से ये है कि वहां पर गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट भी होंगे। गैसियस अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तो वहां पर क्या होगा, प्रेशर का रोल होगा, तो प्रेशर कम या ज्यादा होना, ठीक है, तो डब्ल्यू को हम बताएंगे पीडीवी से, राइट। तो ये कब होगी, ये वाली सिचुएशन कब होगी, जब हमारे सिस्टम के सारे पार्ट्स पर प्रेशर क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे, राइट। सो ये जो स्थिति होगी जहां पर कि प्रेशर कांस्टेंट हो, तो उसकी वजह से जो सिस्टम का वॉल्यूम है, राइट, एक पार्ट द्वारा दूसरे पार्ट पर वर्क करने से, या दूसरे पार्ट द्वारा फर्स्ट पार्ट पर वर्क करने से, जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो, और यह अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो क्या होगा, जितना चेंज होगा उसका उतना ही ऑपोजिट चेंज हो जाएगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था उतना ही वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो स्थिति है ये कहलाती है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम उस स्थिति को बोलेंगे जब कंपोजिशन ऑफ,
रिमेन कांस्टेंट। विभिन्न प्रावस्थाओं का जो संगठन है, संगठक है, ठीक है, उनका कॉम्पोजिशन है, वो क्या रहे? स्थिर रहे, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो। इस स्थिति को बोलते हैं हम क्या? केमिकल इक्विलिब्रियम। सो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए, राइट, हमको ये तीन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने होते हैं, तीन इक्विलिब्रियम प्राप्त करने होते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब जहां पर किस सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हीट का जो ट्रांसफर है वो क्या रहे? इक्विलिब्रियम में रहे। तो ये कब होगा? जब टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। दूसरा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि एक पार्ट द्वारा दूसरे पार्ट पर किया गया वर्क और दूसरे पार्ट द्वारा पहले पार्ट पर किया गया वर्क वो क्या रहे? इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब समान रहे। तो ये हो गई मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात। थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए आवश्यक है कि टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए आवश्यक है कि प्रेशर है वो कांस्टेंट रहे, राइट। और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा? जब सिस्टम की विभिन्न प्रावस्थाओं में क्या हो, सिस्टम की विभिन्न प्रावस्थाओं का जो कॉम्पोजिशन है वो कांस्टेंट रहे, इसको बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। सो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में ये तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होने चाहिए, राइट। सो जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसको हम चेक करते हैं केमिकल पोटेंशियल की हेल्प से। बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टेंसी ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की, तापमान की स्थिरता। राइट, तो जब तापमान स्थिर होगा तो क्या होगा? किसी भी तंत्र की एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इफ मान लो कि यहां पर अपने सिस्टम में कितने दो फेज हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। इफ टू फेजेस ऑफ एनी सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम, देन अगर दो फेज क्या है इक्विलिब्रियम में, तब क्या होगा? तो इन दोनों फेजेस के लिए जो एंट्रोपी परिवर्तन होगा, DS1 है वो प्रथम फेज के लिए एंट्रोपी परिवर्तन है, DS2 है वो द्वितीय फेज के लिए एंट्रोपी परिवर्तन है, वो किसके बराबर हो जाएगा? दोनों के लिए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। S1 क्या है? प्रथम फेज की एंट्रोपी है, और S2 क्या है? द्वितीय फेज की एंट्रोपी है। मान लो कि प्रथम फेज में होने वाला जो ऊष्मा परिवर्तन है वो dQ हो और ये T1 टेम्परेचर पर हो रहा हो, तो ये दूसरे जो फेज है उसमें होने वाले ऊष्मा परिवर्तन दोनों एक समान होंगे, और वो T2 पर हो रहा हो तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल क्यू टी वन इज इक्वल टू माइनस डेल क्यू टी टू। और चूंकि जो ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन दोनों के लिए समान है, इसका मतलब क्या होगा? T1 विल बी इक्वल टू T2, राइट। तो स्थिर ताप पर किसी भी तंत्र के दो प्रावस्थाओं में होने वाला जो एंट्रोपी परिवर्तन है या ऊष्मा परिवर्तन है वो क्या होगा? एक समान होगा। स्थिर कंडीशन क्या? कंडीशन इसके लिए ये है कि वहां पर तापमान है वो स्थिर होना चाहिए। और अगर हम क्या करें, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में क्या होगा? जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? गिब्स फ्री एनर्जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी जीरो। ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ है, राइट, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। सो इसको हम लिखेंगे डी ए एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ए जीरो। सो अगर दो फेजेस की अगर हम बात करें, दो अलग अलग फेजेस की, तो DA1 + DA2 विल बी इक्वल टू जीरो, और DA1 विल बी इक्वल टू -DA2, राइट।
और इसी को हम थोड़ा सा और डिटेल में ऐसे लिख सकते हैं, डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी। सो डी ए वन विल बी इक्वल टू माइनस पी वन डी वी, राइट। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसके लिए होगा वो होगा माइनस पी वन डी वी प्लस पी टू डी वी विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया P कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर हम वर्क को देखेंगे और वहां पर हम किसको ऑब्जर्व करेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को, राइट। सो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, दो अलग अलग फेजेस की हम बात कर रहे हैं, उन दोनों अलग अलग फेजेस में जो किया गया कार्य है वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है और ऑपोजिट है, राइट। इसीलिए उन दोनों का जो टोटल होगा वो किसके इक्वल, ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि जो सिस्टम है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज में है। और फर्स्ट इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम, क्यू का मान दोनों के लिए क्या है, एक समान है, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेज में, राइट। सो ये हो गई दो अपने इक्विलिब्रियम की बात, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पर हम दो प्रकार के इक्विलिब्रियम को अटेन करेंगे। अब थर्ड है इफ केमिकल पोटेंशियल इज कांस्टेंट, इफ केमिकल पोटेंशियल इज कांस्टेंट। सो यदि मान लो कि हमने क्या किया है, टेम्परेचर और प्रेशर को जीरो किया है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द गिव्स फ्री एनर्जी डेल जी, किस पर, टेम्परेचर और प्रेशर पर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, राइट। अगर दो फेज की हम क्या मान लें कि दो फेज की अलग अलग गिव्स फ्री एनर्जी की बात करें, डीजी वन इज द फ्री एनर्जी ऑफ फर्स्ट फेज एंड डीजी टू इज द फ्री एनर्जी ऑफ सेकेंड फेज, तो इसका टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल होगा। और ये जो गिव्स फ्री एनर्जी है, गिव्स फ्री एनर्जी जिसको कि हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ एनी सब्सटेंस इज रिलेटेड विद केमिकल पोटेंशियल। ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो किसके साथ में रिलेटेड है, ये रिलेटेड है केमिकल पोटेंशियल के साथ में रिलेटेड है, राइट। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन देखिए, मैं यहां पर डेफिनेशन आपको लिख करके बता रहा हूं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज एडेड इन ए लार्ज सिस्टम, देयर अकर कंसिडरेबल नो चेंज इन द कॉम्पोजिशन। ठीक है, इसमें क्या लिखा हमने, अगर किसी सिस्टम को हमने स्थिर तापमान और प्रेशर पर रखा हुआ है, स्थिर ताप और दाब पर रखा हुआ है, और उसमें हम क्या करें, उसमें एक मोल किसी सब्सटेंस का ऐड कर दें उस सिस्टम में, ठीक है, तो वो जो सिस्टम होगा हमारा, उस सिस्टम के कॉम्पोजिशन में कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं होगा जो कि परिलक्षित हो, ठीक है, जिसको कि हम कंसिडर कर सके। देन द इंक्रीज इन द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नोन एज केमिकल पोटेंशियल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे हम, एक
स्थिर ताप और दाब पर यदि हम किसी सब्सटेंस का किसी पदार्थ का 1 मोल किसी तंत्र में ऐड करें और उसको ऐड करने के बाद में यदि हमारे तंत्र के कॉम्पोजिशन में उसके संगठन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन परिलक्षित नहीं हो, तो उस स्थिति में जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल पोटेंशियल। और उसको मैथमेटिकली इस टाइप से हम एक्सप्लेन लिखेंगे, डीजी इज इक अपॉन डी एन आई, राइट। ये एन आई किसको बता रहा है, एन आई बता रहा है उस सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, राइट। वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा म्यू आई के लिए। म्यू यहाँ पर बता रहा है किसको, केमिकल पोटेंशियल को, ये है केमिकल पोटेंशियल ऑफ सब्सटेंस आई, राइट। सब्सटेंस आई का केमिकल पोटेंशियल है ये, राइट। अब हम क्या करें, अब हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, देखो डी जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आई इंटू डी एन आई। और यहाँ पर हमने ऊपर एक इक्वेशन लिखी है, डी जी वन प्लस डी जी टू इज इक्वल टू क्या है, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू आई की जगह पर मैं लिखूंगा म्यू वन इंटू माइनस डी एन प्लस म्यू टू इंटू डी एन इज इक्वल टू 0, और म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, राइट। तो ये हो गई थर्ड अपना इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक जो इक्विलिब्रियम होगा वहां पर जो थ्री इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे उसमें से तीसरा है वो केमिकल पोटेंशियल का। तो केमिकल पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हो रहा, किस स्थिति में, उस स्थिति में जबकि हम स्थिर ताप और दाब पर हमारा जो तंत्र है उसमें हम क्या मिला रहे हैं, कोई एक सब्सटेंस मिला रहे हैं, उसका 1 मोल मिला रहे हैं, और वो 1 मोल मिलाने पर तंत्र की जो मुक्त ऊर्जा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है, और ना ही उसके कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से जो मुक्त ऊर्जा होगी उस मुक्त ऊर्जा को हम बोलेंगे केमिकल पोटेंशियल, और उस केमिकल पोटेंशियल को इस इक्वेशन डेल जी अपॉन डी एन आई से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर इसको हम रिलेट करेंगे इस इक्वेशन के साथ में। तो यहाँ इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, म्यू वन इंटू माइनस डी एन प्लस म्यू टू इंटू डी एन इज इक्वल टू 0। सो डी एन सेम है दोनों केस में, तो हम ये बोल सकते हैं म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू। सो इस स्थिति में जब तापमान और दाब स्थिर हो, उस स्थिति में जो केमिकल पोटेंशियल होगा उसका मान तंत्र के किसी भी दो भागों के लिए क्या रहेगा, एक समान रहेगा।